हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स, बायोलॉजी मेड इजियर। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के टेबल नंबर 5 पॉइंट के सभी एग्जांपल्स को याद करने की आसान सी ट्रिक, जो कि आपके लिए नीट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी के टेबल नंबर 5.4 के एग्जांपल्स को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कि टेबल 5.4 सबसे पहले क्या है। एरोसॉल, फॉग, क्लाउड, मिस्ट और इंसेक्ट स्प्रे। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, एरोसॉल को, एरोसॉल क्या, एयर फॉग को मिस्टी ने इंसेक्ट स्प्रे किया। तो एयर फॉग क्या है, एयर मतलब एयर, एरोसॉल फॉग को मिस्त्री ने, जो मिस्त्री होते हैं स्प्रे करने वाले, मिस्त्री ने इंसेक्ट स्प्रे किया। पहला हो गया तो एयर हो गया एरोसॉल, फॉग फॉग हो गया, को मतलब क्लाउड, मिस्ट मतलब मिस्त्री, और इंसेक्ट स्प्रे आपको पता है, ठीक है ना। तो एयर फॉग को उन्होंने इंसेक्ट स्प्रे मान करके स्प्रे कर दिया। अगला आता है दोस्तों सॉलिड एरोसॉल, स्मोक, ऑटो एग्जॉस्ट। तो उसको होता है, उसको बोलते हैं सोए समाए, याद कर लेंगे सोए और समाए। तो सो मतलब सॉलिड, ए मतलब एरोसॉल, सोए और स्मोक SM और ए और ई, तो समाए, ठीक है, तो सोए समाए हो जाए। अगला है फोम शेविंग क्रीम। तो फोम का फोम से क्रीम, फोम से क्रीम क्या, से मतलब सेविंग हो जाएगा, क्रीम का क्रीम हो जाएगा, फोम का फोम, तो फोम सेविंग क्रीम, ठीक है ना। फोम का एग्जांपल क्या है, सेविंग क्रीम है। अगला आ जाएगा इमल्शन, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, हेयर क्रीम और फेस क्रीम। तो क्या हो जाएगा, एमू ऐसा लगे ना, एमू की बात करें, एमू चिड़िया जो होती है, तो एमू के दूध को लीवर हेयर और फेस में लगाया। तो ये देखिए एमओ हो जाएगा इमल्शन, के कोई मतलब नहीं, मिल्क मतलब दूध, को मतलब कॉड, लीवर मतलब लीवर, ठीक है। तो एमओ के दूध को लीवर, हेयर हेयर क्रीम, फेस फेस क्रीम, और कोई मतलब नहीं है, लगाया में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एमू के दूध को लिवर हेयर और फेस में लगाया, ठीक है। अब ये हो जाएगा सो मुँह, तो साल और मड, ये हो जाएगा सो, ये हो जाएगा मुँह, ये बहुत ही आसान है, सो मुँह याद कर लेंगे, साल का मड हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों सॉलिड फोम और फोम रबर। तो सोफा फोर, ये हो जाएगा सोफा फोर, तो सोफा, ठीक है, और फोर, तो सोफा फोर, सॉलिड फोम, फोम रबर। अगला आता है दोस्तों जेल का है दोस्तों ज्वाला जी, ये हो जाएगा जेल मतलब ज्वाला जी, एक देवी है हमारी ज्वाला जी, तो उनको ज्वाला जी अंकल गए, तो वहाँ से क्या लाए, ज्वाला जी से बटर, चीज़ और पॉलिश लाए, बटर चीज़ और पॉलिश लाए, पॉलिश। तो ज्वाला जी एक अंकल गए, तो ज्वाला जी से क्या लाए, बटर चीज़ और पॉलिश लाए, तो ये क्लियर हो जाएगा ज्वाला जी से बटर चीज़ और बूट पॉलिश। अगला है आखिरी दोस्तों सॉलिड सॉल, मिल्की ग्लास। तो क्या हो जाएगा सो कर दूध गिलास पियो, तो सो सोते रहो और जम के दूध के गिलास पीते रहो। तो सो मतलब सॉलिड, सो मतलब सॉल, कर का कोई मतलब नहीं है, दूध का मिल्क, ग्लास मिल्क गिलास ये सामने लिखा हुआ है, पियो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा एग्जांपल को याद करने का आसान सा ट्रिक, जो कि आपके नीट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपका टाइम भी सेव करेगा और आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।